एक्सरसाइज 3.3 पर क्वेश्चन नंबर 1 की भी एफ वाई वेरियस जॉइंटली एस एक्स एंड जेड वाई सदिशरी द मुसरा एक्स और जेड था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शुआ एंड वाई इज इक्वल टू 33 एक्स इज इक्वल टू 9 एंड जेड इज इक्वल टू 12 फाइंड वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 16 एंड जेड इज इक्वल टू 22 अकॉर्डिंग टू कंडीशन मग बसंगोरी को वाई इज जॉइंटली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड जेड वो सिकल दा प्रोपोर्शनलिटी मंगा खत्म नुसरा वालू कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी उस दल दा किता सो करे मंग ले वैल्यूज रा कड़ी दी सही ना दा वैल्यूज मंग ले रा कड़ी दा दल दा पोट कहता सो दा वाई पजे बस पोट के पोटिंग दी वैल्यूज वाई चिरी मुंग सर बराबर दी था 33 द केश के मुंग मालूम हो एक्स दस बराबर दी द 9 जेड दस बराबर दी द मुंग सर द 12 बराबर दी डिवाइड बोथ साइड बाय 9 इंटू 12 द बोलेगा सानिश 33 दाम पर 9 इंटू 12 डिवाइड के और द साइड चिपी डिवाइड के ना योबल सर बा कैंसल्स दा सो गो रहे दिल तक हाँ कदा मुंगा दा पर त्री सर की त्री त्री सा त्री त्री सा 9 एंड 11 त्री सा 33 द के वैल्यू मुंग सर सर आला दर आला 11 डिवाइडेड बाय 12 त्री सा 36 द मुंग सरा द के वैल्यू आला उस द क्वेश्चन पर सेकंड पार्ट कैसे हुई द क्वेश्चन पर सेकंड पार्ट की हुई फाइंड वाई फाइंड वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू एक्स तरी मुंग सारा 16 एंड जेड इज इक्वल टू 22 जेड पर मुंग सारा 22 दे नहीं था सो द वाई वैल्यू फाइंड के द के वैल्यू ऑलरेडी मुंग फाइंड करे रहा सही था नमंग बदा इक्वेशन वन चिरे दावर आवाह इक्वेशन वन इम्प्लाइज असरे वाई इज इक्वल टू के एक्स जेड पुटिंग द वैल्यूज देखिए वैल्यूज पुट के वाई इज इक्वल टू सब राश वाई इज इक्वल टू द के वैल्यू सरा 11 डिवाइडेड बाय 36 द एक्स वैल्यू सरा 16 द जेड वैल्यू सरा आगा दा 22 सही था नो चिमंगा दादी सिंप्लीफिकेशन को दबराशी 4 जा 16 एंड 9 4 जा 36 दबरा ता सुखपल की मल्टीप्लाई के दिन बस राशि 11 और दिन बा 88 राशि और डिवाइडेड बाय 9 बराश जदा द्वारा खपल की ता सु मल्टीप्लाई के मुंग सर बदा वाई वैल्यू राशि 968 डिवाइडेड बाय 9 दस तास जवाब दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई हाँ तो गोरे क्वेश्चन नंबर 2 के भी एफ एफ वेरियस जॉइंटली जी एंड क्यूब ऑफ एच दलते मंगलर आकड़े च एफ इज जॉइंटली प्रोपोर्शनल टू जी एंड क्यूब ऑफ एच यानी एच क्यूब देता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नो उमा तरीके सर बताओ सो चलो के देना बता प्रोपोर्शनलिटी निशान ख़त्म के तो सर बराशी के जी एच क्यूब दस इक्वेशन नंबर फर्स्ट उस तरह ले वैल्यूज दर कड़ी दी पुटिंग दी वैल्यूज हाँ एफ दस बराबर दी 200 जी दस बराबर दी द 5 और एच दस बराबर दी द 4 द वैल्यूज दे के पुट के ना फर्स्ट आप आल मंगा द के वैल्यू फाइंड मिल द बराशी 200 इज इक्वल टू के द जी पर देव पुट के 5 और द एच पर देव पुट के 4 द बराशी 4 क्यूब बराश सब बराशी 4 क्यूब नो द दी सिंप्लीफिकेशन हो के द बराशी 200 इज इक्वल टू के और दा बशी 464 बराशी और 64 चेता सा दा बराशी 5 इंटू 64
द्वारा साइड था सो डिवाइड के डिवाइड बोथ साइड बाय 5 इंटू 64 बंदे द्वारा साइड डिवाइड के अंदर बराशी 200 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 64 इज इक्वल टू के दे तरफ ना बता सी दावा मुंग सारा ख़त्म शी नचे मुंग दी सिंप्लीफिकेशन को अंदर बराशी 5 जा 5 और 5 40 जा 200 सही था दे ना मुंग सारे सराशी 200 ब्याह था सुधा पा 8 बंदे के ना 8 5 जा 40 8 8 जा 64 नमुंग सरा द के वैल्यू सरा ला 5 डिवाइडेड बाय 8 दमुंग सरा द के वैल्यू रा ला उस मख के क्वेश्चन के ता सो गोरे न सोई वी फाइंड एफ फाइंड एफ एफ फाइंड के कचरिता सो सरा द जी वैल्यू सही 3 और द एच वैल्यू सही 6 न फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ मुंग बराशु इक्वेशन नंबर फर्स्ट ला इक्वेशन फर्स्ट एम्प्लाइज एफ इज इक्वल टू के जी एच क्यूब उस तासु देखे वैल्यूज पुट के पुटिंग दी वैल्यूज एफ इज इक्वल टू के दस बराबर दे अतः से फाइंड का 5 डिवाइडेड बाय 8 दलते जी दस बराबर दे द 3 एच क्यूब दस बराबर शु द 6 क्यूब बराबर शु द 6 क्यूब बराबर शु मुंग सरा ठीक था न चाहिए मुंग सिंप्लीफिकेशन को द 5 बाई 8 राशि द 3 शो और 6 क्यूब चिकम दे देना बा 216 राशि 216 नता सो उगोरे दिल तक के दी सिंप्लीफिकेशन की गी द राशि 8 1 द 8 और द चिमंगा पदे बांधे डिवाइड कुन देना बा राशि 27 सब राशि 27 8 जा 216 उस द खपल की मल्टीप्लाई के द 5 द 3 और द 27 न द एफ वैल्यू बमुन सारे सराश द चिता सो मल्टीप्लाई के दिन बराशी 405 405 सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ न पदी तरीका मंगा द जॉइंट इक्वेशन